Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to a new video. Guys, आज मैं आप लोगों को शौक कराने वाला हूँ ये भाई का कबूतर. तो सबसे पहले इसका इंट्रो कराते हैं. क्या नाम है भाई? सनी. सनी, कितने टाइम से तू कबूतर पाल रहा है? मेरे को तो हो गया कम से कम 2 से 3 साल. 2 से 3 साल. तो गाइस अभी जो है जल्दी से मैं दिखाता हूँ ये भाई का सेटअप और कबूतर कैसे कैसे. आप लोग देखो, शौक करो एंड कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये भाई का सेटअप और कबूतर कैसा लगा. मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सेटअप है, छोटा सा सेटअप है, कम कबूतर रखा हुआ है लेकिन काफी अच्छे से रखा हुआ है. तो ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है ये लोगों ने सेटअप किया हुआ है. पहले जो है ये सेटअप वहाँ पे था और पेटी ओटी में रखे थे, लेकिन अब जो है कुछ इस टाइप में बना दिया है. तो दिखा भाई कुछ अपने खास खास कबूतर. सो गाइस ये देखो भाई, कौन सा कबूतर है ये? ए, हम लोग इसको मसाल कबूतर बोलते हैं. मसाल. इसकी पूंछड़ी हमने निकाल दी और सड़ गई थी पूरी. अच्छा, नया कबूतर है क्या? पर बांध के रखा हुआ है. हाँ, नया. सो गाइस ये देखो भाई, ये भाई कबूतर फीके टाइप में कबूतर है, वाइट है इसका. छोड़ना भाई इसको. ये देखो भाई, ये है कबूतर. ये पट्टा है. हाँ, इसका भी शौक करा भाई. सो गाइस ये है एक घाघरा पट्टा. ये तुम लोग के यहाँ का बच्चा है, खरीद के लाया हुआ? नहीं, वो किसी भाई ने दिया था हम लोगों को. छोटा पट्टा था, मतलब 2 पट्टे थे छोटे छोटे. तो उसकी माँ मर गई थी, तो हम लोगों को बोला कि भाई मेरे पास मर जाएंगे, तो 2 पट्टे दिए थे. तो 2 में से एक बड़ा हो गया और एक मर गया हमारे पास. अच्छा, इतना बड़ा हो गया. इसको हम लोग ने इंजेक्शन से खिला पिला के बड़ा किया. अच्छा, इसके माँ बाप नहीं थे? नहीं, माँ थी, मर गई माँ. अच्छा, हम लोगों को देके गया वो. सो गाइस ये देख लो भाई, ये है एक पट्टा. इन लोगों ने हैंड फीडिंग करके बच्चे को बचाया हुआ है. इसके साथ का भी एक था बट वो नहीं बच पाया और इसको ये लोगों ने बचा लिया है. ठीक है, तो ये है भाई लाल पट्टी में घाघरा बच्चा. ये देखो, इसको उड़ा के देखा कि नहीं अभी तक? उड़ाया है, उड़ता मस्त है कबूतर. दूसरा दिखा भाई, वो नर दिखाया ना उसकी मद्दी. और ये देखो भाई, एक वाइट में फीमेल है. और ये है इसके पर, इसको भी बांध पूरी जोड़ी लेके आया था. जोड़ी लेके. अच्छा, ये देखो गाइस ये है पंजे. दिखा भाई, ये शौक करो भाई इसके पंजे का, जामनी पंजे और वाइट नाखून. और दिखा भाई, ये कौन सा कबूतर है? खेरा. सो गाइस ये है भाई ये लोग का खेरा कबूतर, वाइट आईज में. खरीद के लाया कि पकड़ा हुआ है भाई? उतारा था, दूसरे का है. अच्छा, ये देखो ये इसके कुंडे. ये भी कबूतर झाड़ में था, अभी 10वीं कली साफ करके नया ला रहा. पूरा पर इसने साफ कर लिया है, खाली एक कली बाकी है. ये देखो, ठीक है, तेरा भाई. और ये है भाई इसके पंजे, जामनी पंजे और पूरे के पूरे ब्लैक नाखून. इसको उड़ा के देखा भाई? हाँ, उड़ता मस्त है कबूतर. एक खरीद के लेके आया था. और ये है एक कबूतर, ये भी काफी मस्त लगा मेरे को. कौन सा मसाल है ना? मसाल. हाँ, ये देखो, ये गाइस व्हाइट आइस में कबूतर. हम लोग के साइड में इसको मसाल बोला जाता है और बहुत सारे जगह पे इसको कलदुम कबूतर भी बोला जाता है. ठीक है, कलदुमा. तो ये देखो, ये है इसके पर, ये है इसकी टेल. गाइस ऐसे कबूतरों का जो है मेनली टेल से पहचान होता है. ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोग देख रहे हो ना, जिनका पूंछ ब्लैक होता है उनको कलदुमा कबूतर बोला जाता है. एंड हम लोग के साइड में ऐसे कबूतरों को मसाल बोलते हैं. इसका वो दिखा भाई पंजे. ये रहा भाई पंजे इसके, ये चेक करो. ये खरीद के लाया था? हाँ, ये जोड़ी खरीद के लेके आया था. ये नर है ना? हाँ, ये नर है. इसकी फीमेल उधर पे बैठी थी. कहाँ गई फीमेल? ये रही, पकड़ना भाई. इस अभी जो हम लोगों ने मेल का शौक कराया, जो ये रहा ये मेल की, ये है फीमेल. दोनों के दोनों काफी हद तक सेम ही कबूतर है. ये देखो व्हाइट आइज में फीमेल भी है और फीमेल अभी कैच में है. इतने इतने पर में चिपक जाती है, दिखना बंद हो जाती है. हाँ, खरीद के लेके आया था दोनों. कितने का लाया था भाई जोड़ी? लाया था 700 रुपए में. 700 में जोड़ी? हाँ, जोड़ी. पंजे नर बैंड था, इसके लिए दे दिया. नर ठीक हो गया क्या? पूरा नहीं, बैंड है अभी भी. अच्छा, हल्का सा बैंड है, पता नहीं चल रहा. कुछ इस टाइप के इसके पंजे. ये भाई इसके पंजे काफी मस्त. अंडा उंडा रखा कि नहीं? अभी कुछ नहीं. अभी उसका कबूतर है भाई इसको खेरा. खेरा ये भी है. ये है भाई एक और खेरा कबूतर. ठीक है, वाइट आइज में ये कबूतर है. कुंदे दिखा भाई, ये है कबूतर के कुंदे. इसके पंजे. और ये है भाई इसके पंजे और टेल दिखाना. ले आप, आप, आप. और ये है कबूतर की टेल. ये सॉफ्ट करो, काफी सही है.
ये वाला दिखाना भाई। और गाइस एक और कबूतर आप लोगों के सामने, ये कबूतर का भी आप लोग शौक करो। कौन सा कबूतर है भाई, बाजरा है क्या? ये देखो ये भी व्हाइट आईज में कबूतर, मतलब तुम लोग के पास भी ज्यादा कर व्हाइट आईज ही है। हाँ, मेरे जैसा के ही हमारे पास भी सब, अपने पास भी जो है ज्यादा कर व्हाइट आईज कबूतरों का ही कलेक्शन है। और ये भाई लोग के पास भी जितना भी कबूतर है उनमें से सबसे ज्यादा कर मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट आईज के ही कबूतर है। ब्लैक आईज में कुछ गिने चुने हैं और येल्लो आईज में भी कुछ गिने चुने ही है, ज्यादा कर सबके सब व्हाइट आईज में ही है। ये देखो ये कबूतर का भी जो है पर बंधा हुआ है, कुछ इसके कुछ नहीं। ये है भाई इसकी टेल, ठीक है छोड़ दे भाई। ये देखो और गाइस एक और फीमेल है आप लोगों के सामने, ये देखो वाइट आईज में, ठीक है गलवी फीमेल। ये भी फीमेल जो है कैच में, हमने ही कैच किया है, दूसरे की उतारी थी, वो पाली पे चढ़ जाता है ना तो नीचे गिर जाता है, भी बिल्ली पकड़ लेता है। अच्छा ये है भाई इसकी टेल, इसके पंजे। ये देखो बस भाई रहने दे, अभी ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी जो है मैंने आप लोगों को कुछ कुछ सेलेक्टेड जो कबूतर थे ये भाई लोग का, मैंने उसका शौक कराया है आप सभी लोगों को। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये सब कबूतर कैसे लगे। अभी जितने भी कबूतर है ऊपर ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ, जो सेटअप है वो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। कितने खाने बने हुए भाई इसके अंदर? ऊपर तो आपकी जोड़ी को दे दिया है 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाने हैं पूरे, 12 खाने। हाँ ये जोड़ी को पूरा खाना दिया आपका। सो गाइस कुछ इस टाइप का सेटअप है ये देख सकते हो। और आप में से, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे दरवाजा क्यों नहीं है, ऐसे कबूतरों को रिस्क है बिल्ली पकड़ सकती है। तो अभी डायरेक्ट इसी भाई से पूछते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इससे? दिक्कत विक्कत की कुछ बात नहीं है, क्योंकि ऊपर आजू बाजू कोई हमारे छत भी नहीं है। हाँ। तो बिल्ली कहीं से आ नहीं सकती है। और जो वहाँ पे गेट है तो गेट के पास वहाँ पे ताला लग जाता है शाम को, तो कबूतर हम लोग छत पे खुला भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं कबूतरों को। सो गाइस यही बात है कि यहाँ पे जो है ये भाई लोगों ने कुछ गेट वोट नहीं लगाया है, उसके बाद भी इनके कबूतर जो है सेफ है, क्योंकि पूरा छत जो है ऊंचा है, किधर से भी साइड में चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखो ठीक है, चारों तरफ से छत ऊंचा है और यहाँ पे पूरा पैक वाला गेट है, तो बिल्ली का आने का इसमें से कोई भी रास्ता नहीं है। इसमें से तो नहीं आ पाती होगी भाई? ये देखो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा गैप है लेकिन इसमें से ये नहीं आ पाएगी, और पूरा का पूरा जो है पैक है, ठीक है आजू बाजू कहीं से नहीं आ पाएगी। सो गाइस यहाँ पे भाई लोगों ने कुछ इतने शौक कर रखे हैं। कितने टोटल कबूतर भाई? टोटल होंगे 20-25 कबूतर। कबूतर गिने नहीं है, 31 कबूतर, 31 कबूतर है, पर हमने कबूतर को गिने नहीं कितने कबूतर है। हाँ अंदाजा बता रहे हैं। कबूतर में क्या है भाई, आता जाता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये चीज लगा ही रहता है। परसों की बात है, कल बेटा नर भाग गया, कलर मारा था हमने, वो तो लगा ही रहता है, आज एक गया तो कल एक आएगा। और चिलबेरी का क्या अटैक है भाई? मेरे इधर तो बहुत अटैक हो रहा है भाई, इधर पे भी ऐसा ही है। इधर पे अभी परसों के दिन पे इतना ऊपर से भगाई कबूतर को, कबूतर पूरा नीचे आके पकड़ के लेके गई, मतलब वही अटैक हो रहा है पूरा, वही अटैक है। तो गाइस ये चीज़ मतलब हम ही लोग के साइड नहीं हो रहा है, सब लोग जो है इस समय पे चील बेरी से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन ये चीज़ पहले तो नहीं आता था भाई, हम लोग काफी टाइम से पालते रहे। नहीं अभी क्या है, थोड़ा ज्यादा बेरी का सीजन चल रहा है ना अभी, और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। मेरे को लग रहा है भाई इलाके में ज्यादा कबूतर पालने वाले हो गए हैं, समझ रहा है, उन लोगों को क्या है शिकार मिल रहा है, तो बहुत सारी बेरी इधर ही आ गई है, उन्हें पता है भाई यहाँ पे अपने को खाना मिल रहा है। तो क्या होता है, सब बेरी आ जाती है कहीं से भी पकड़ लेती है, कितना ऊपर से पकड़ा था उसको पूछ मत। तो गाइस यही चीज हो रहा है भाई, सिर्फ हम लोग के साइड नहीं, जो भी ये इलाके में कबूतर का शौक कर रहा है, मतलब चील बेरी का अटैक काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही रीजन है कि अभी भी हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं, नहीं तो मेरा तो काफी ज्यादा मन है कि इस सीजन में मैं अपने कबूतर उड़ाऊं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही बेरी का मार थोड़ा कम होता है हम लोग जो है दोबारा से अपने कबूतर उड़ाना स्टार्ट कर देते। ये देख लो भाई यहाँ पे ये लोग के कुछ कबूतर अभी जो है दाना पानी डाल रहे हैं। दाना में क्या डाल रहा भाई, दाना दिखा? मूंग बाजरी गेहूं, चना नहीं डाल रहा क्या? नहीं तो चना था, खाते नहीं, खत्म हो गया, कभी कभी चना नहीं खाते, डाल देते चना पड़ा रह जाता, खाली खाली खाते। मेरे कबूतर तो भाई चना ही सबसे पहले उठाते हैं, सबसे पहले चना ही उठाते हैं, चना छूटते ही नहीं। सो गाइस ये है भाई दाना, हमने कोशिश किया था खाएंगे तो लेके आएंगे पर खाते ही नहीं है, इसीलिए हम लोग लेके। गाइस अभी जो है मैंने आप लोग को ये भाई लोग के कबूतर का शौक करा दिया है, और ये भाई भी जो है वीडियो बनाता है, क्या नाम है भाई? मेरे चैनल का नाम है सूरत पिजन किंग। तो गाइस ये लोग भी जो है अपना वीडियो बनाते हैं एंड यूट्यूब पे डालते हैं, तो आप लोग जो है जाके इनका भी वीडियो देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।